मेरी खुद की ज़िंदगी है, मैं कह रही हूँ कि मैं इस बॉडी के अंदर एडजस्ट नहीं करती। उसके लिए मुझे किसी दूसरे को दिखा के उससे सर्टिफिकेट लेने का ज़रूरत क्यों है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी क्या है, ये किन किन मुश्किलातों से जूझ रहे हैं और किन किन एट्रोसिटीज़ का सामना कर रहे हैं। बचपन से लेकर जवानी की उम्र तक इन्हें बहुत सारी यूटीजिंग एट्रोसिटीज़ और न जाने किन किन टॉर्चर्स का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में हमने एक ट्रांसजेंडर से बात की जो पहले मेल बॉडी में पैदा हुई थी और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज होते हुए देखा और उसकी वजह से वो ट्रांस वोमेन में चेंज हुई। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, ऐसा वाकई में होता है? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता। जो लोग ये बोलते हैं कि जानबूझकर करते हैं, मैं अगर उनसे बोलूं क्या उनकी फैमिली में कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये करना चाहेगा? मेरा सबसे पहला सवाल, किसी आदमी को अगर बोला जाए कि तुम साड़ी पहन के नाचो या तुम साड़ी पहन के ये सब हरकतें डेली, और सिर्फ एक दिन नहीं, हम ये लाइफ रोज़ जीते हैं। आप कोई एक दिन अगर कहता हो कि किसी ने एक दिन ये कपड़े पहन लिए, वो बात अलग है, बट इस लाइफ को हम रोज़ जीते हैं और हम रोज़ जीना भी चाहते हैं। तो आप उस चीज़ को कैसे कह सकते हो कि ये उस वे में है? अच्छा, सोसाइटी की ओर से एक्सेप्टेंस ना मिलना, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जहाँ अभी तो मैं बताती हूँ, जब मेरे को खुद पता चला कि जब मेरे को ये अपनी फीलिंग के बारे में पता चला, तो लोग मुझे बहुत बुरी बुरी तरीके से बुलाते थे। लड़के मुझे गली के, कुछ छिछोरे टाइप लड़के, कुछ उस टाइप के लड़के जो मेरे से बड़ी उम्र के थे, या जो मैं बोलूँ कि जो लोग नशा करते थे, उस टाइप के जो लड़के साथ में मिलके घूमते थे, गुंडा टाइप्स, उन लोगों ने कई बार मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, ज़बरदस्ती फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने का कोशिश करा, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ करने की कोशिश करी। बट वही था कि मैं उस सोसाइटी में रहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ कर सकूँ, तो मैं वहाँ उनके हाथ में कभी आई नहीं, ये था। बट हाँ, एक एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का बहुत बुरा है कि जब मैं 7 साल की थी, तब मेरे साथ 7 लड़कों ने फिज़िकली असॉल्ट करने, असॉल्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की थी, बट मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो मैं बच गई। अच्छा, घर वालों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? घर वालों के साथ आपके मामलात कैसे रहे जब उन्होंने देखा कि बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं हमारे बच्चे में? उनकी रिएक्शन क्या थी? वही जैसा आपने अभी मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा था कि लोग बोलते हैं कि ज़बरदस्ती बन रहे हैं, तो कुछ टाइम तक उनको भी यही लगा था कि कोई बात नहीं, बच्चा है, थोड़ी हरकतें कर रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। बट उनको नहीं पता था कि ये हरकतें नहीं हैं, ये एक फीलिंग्स हैं जो मेरे खुद के अंदर से है, और वो मैं चाहकर भी नहीं बदल सकती, किसी के कहने से भी नहीं बदल सकती। तो वो धीरे धीरे, जैसे जैसे उनको दिख रहा था कि मैं आगे बढ़ रही हूँ और ये सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा खुल के आ रही हूँ, तो उनके भी बहुत अजीब अजीब रिएक्शन होते थे। भाई का भी बहुत अजीब रिएक्शन होता था कि मतलब वो उनका भी ये होता था कि समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, सा कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। कितने साल तक आप घर से मैं घर से बाहर? 2 साल तक बाहर रही। 16 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ दिया था। स्कूल में बहुत होता था मेरे साथ, जैसे लड़के जब हम स्कूल में रहते थे तो थोड़ा चार डाल हमारा लड़कियों वाला, उसी तरीके से काजल लगा के जाना, फोटो पे लिपस्टिक हल्की हल्की, और चेहरे के ऊपर फाउंडेशन लगा के हम लोग जाते थे जिससे चेहरा हमारा चमके, तो वो लगा के हम जाते थे। तो लड़के इफ्टीजिंग करते थे कि लुगाई है मतलब बहुत सारी चीज़ें। आइडेंटिटी ना मिलने की वजह से हमने जिन जिन मुश्किलों का सामना किया है वो बहुत दर्दनाक है, और हम उसको बयां भी नहीं कर सकते अपने मुँह से कि किस तरीके से हम लोगों को, मतलब हम, अगर मैं सीधा बोलूँ कि अगर रेंट पे रूम लेने भी जाते थे तो वो क्या सोच के हमारे को रखते थे, हमें पता है। जब वो हमसे मांगते थे कि आप कोई पहचान दो अपनी कि हम आपको किस वे पे आपको रूम दें, तो वो एक बहुत बड़ा इशू था हमारे लिए। आपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ आप उठते हो बैठते हो, तो ऐसे भी केसेस हैं जहां पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को टॉर्चर का सामना करना पड़ा हो? कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जो जिनमें लोगों ने सुसाइड भी किया हो, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा है डिस्क्रिमिनेशन, सुसाइड, मतलब बहुत ज़्यादा है। मैं बोलूँ तो फैमिली में कई बार ऐसा हुआ है, मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनकी फैमिली वालों ने उन्हें जान से ही मार दिया। तो होता है बहुत दुख, खुद को भी देख के कई बार ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग ये सोचते हैं जब उनके साथ ये हुआ,
ये अगर हमारी फैमिली वाले भी हमारे साथ करते तो हम शायद क्या कर पाते। SRS के बारे में कुछ बताइए हमें कि जो सेक्स चेंज करने का एक सर्जरी जो होती है, सेक्स असाइनमेंट सर्जरी, तो कितने ट्रांसजेंडर्स ने अभी तक की है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए, जिस बॉडी में हम पैदा हुए हैं उस बॉडी को हम एडजस्ट नहीं करते, हम उस बॉडी को कंफर्ट फील नहीं करते हैं। तो उस बॉडी को, जिस जो हमारे अंदर आत्मा है, हम उसी आत्मा के साथ उस बॉडी को भी चाहते हैं। उसके लिए हम वो SRS सर्जरी कराते हैं, जिसे सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी बोलते हैं, जिसमें हमारा ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है, वजाइनल इम्प्लांट होता है, तो वो सब होता है। तो ये बहुत ट्रांसजेंडर ने करवाई है और कॉस्टली भी बहुत होती है, तो बहुत कम लोग भी करवा पाते हैं इस चीज़ को। तो कई लोग, क्योंकि सर्जरी भी दो होती है, टॉप एंड बॉटम, ब्रेस्ट इम्प्लांट एंड वजाइनल इम्प्लांट, तो कोशिश लोग ज़्यादा करते हैं कि वजाइनल इम्प्लांट कराए, क्योंकि सोसाइटी यही चीज़ देखती है। अगर मैं मेल बॉडी में हूँ और मैं लड़की जैसे रह रही हूँ, तो कल को कोई भी, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि कपड़े खोल के मारते हैं उसको, बोलते हैं कि तू लड़का है, तू इस तरीके से नहीं रह सकता, ये है वो है फलाना, बहुत होता था। तो इसलिए मोस्टली पहले वजाइनल इम्प्लांट कराते हैं, देन ब्रेस्ट इम्प्लांट कराते हैं। सुसाइड की अगर बात करें तो मेरे सामने जो है दो केस हुए हैं, एक आजादपुर में, एक जहांगीरपुरी में, जो दोनों दो लोगों ने जो है सुसाइड किया था। और भागने की तो लगभग जो है 80% ट्रांसजेंडर घर से बाहर रहते हैं, और अब तो और वो फिर बाहर उनको जो है या तो रूम पे रहना पड़ता है या अपनी ग्रुप के यहाँ रहना पड़ता है। तो वहाँ पे भी उनको जो है रूम में, जब सोसाइटी में रहते हैं तो उनको कमरे कमरे भी नहीं मिल पाते, लोग कमरे भी नहीं देते, और उनको जो है एक बदचलन की निगाहों से देखते हैं। जो टॉर्चर इन लोगों पे होता है, चाहे फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से या स्कूल में, तो आपके पास इतने, आपने ट्रांसजेंडर्स के साथ काम किया है, तो ऐसे कई कितने केसों का आपने सामना किया? आपके पास कितने केसेस ऐसे आए हैं जिनका टॉर्चर हुआ हो? मुझे लगता है आई थिंक 98% ऐसे हैं जो इनको टॉर्चर किया जाता है। 2% ऐसे केस हैं जो उनके फैमिली वाले समझ पाते हैं या उनको सोसाइटी समझ पाती है। जितने भी जो सरकारी महकमे हैं वहाँ कोई ट्रांसजेंडर नहीं है, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो सरकारी महकमे उस जगह पर ट्रांसजेंडरों को लाया जाए, जिससे वो अपनी कम्युनिटी को और भी सशक्त बनाएँ।